नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और देखा डे बाय डे हम देखा था कि आप बेहतरीन करते जा रहे हैं, और इसी बेहतरीन सेशन में एक ले आ रहा हूं बेहतरीन टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये है आपका लाइफ प्रोसेस या कह सकते हैं जीवन प्रक्रिया, ठीक है ना। तो इसमें उन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जिन टॉपिक्स की बात की जाए कि जो हमारे देखा था क्या लाइफ सिस्टम से संबंधित है, मतलब कैसे जीवन के लिए ठीक है ना। तो बेटा देखे थी बात की जाए लाइफ प्रोसेस, मतलब उसमें ऐसी जो भी प्रोसेस या प्रक्रियाएं होती हैं जो जीवन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती हैं। और इन्हीं प्रोसेस में देखा था प्रक्रिया में आज एक सिस्टम डिस्कस करूंगा जो देखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि भाई लर्न बाई हार्ट, मतलब कह सकते दिल से इसे देखा था क्या ऐसे समझना है कि भैया देखा था इसको अगली बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मेरा प्रयास यही होता है बच्चों के लिए चीजें आसान करने में कि चीजें इतनी आसान कर दी जाए कि भैया उन्हें लगे यार इसको तो भाई पढ़ लिया अब ना पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। तो क्या है भैया हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में भी देखा था क्या एक जो भी इंपॉर्टेंट जो भी देखा था क्या करेंगे आपका चैप्टर देखेंगे कौन सा, इसमें बात की जाती इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे कौन सा बेटा। ये चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसे हम कह सकते हैं क्या परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। तो ये हमारा जो भी देखा था क्या टॉपिक है आज का बेहतरीन टॉपिक कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम या कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र बेटा, ठीक है। और इसको चीजें मैं बेहतरीन जो भी देखा था क्या एकदम जीरो लेवल से चीजें स्टार्ट करूंगा और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ चीजें क्लियर करते हुए चला जाएगा। तो भैया हमारे देखा था क्या कर सकते हैं लाइफ प्रोसेस या जीवन प्रक्रिया में देखेंगे कौन सा चैप्टर, भैया पहला चैप्टर ये देखना चाहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब देखो बेटा यदि बात की जाए परिसंचरण तंत्र की बात की जाए, ठीक है ना। तो भैया परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ बातें भी जान लेते हैं इसके बारे में। तो परिसंचरण तंत्र की बात की जाए सबसे पहले परिसंचरण तंत्र को या सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले एक पर्सन ने या एक व्यक्ति ने देखा था जो देखा था क्या बहुत जिज्ञासु थे, जो भी कर सकते हैं मानव कर सकते हैं कि मानव कार्य की मानव शरीर कार्य की के लिए कि भैया देखा था क्या सिर्फ मानव कार्य की नहीं बल्कि और ऑर्गेनिज्म या जीव जैसे पौधे में भी ये देखा उन्होंने सर्कुलेशन को कि कैसे देखा तो चीजें सर्कुलेट करती हैं। सर्कुलेट करने मतलब देखा एक निश्चित पाथ पे घूमना, ठीक है ना। तो भैया सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने देखा था जिसका नाम था यदि बात की जाए क्या नाम था बेटा, इनका नाम था विलियम हार्वे, ठीक है ना। इनका नाम क्या था बेटा विलियम आपका हार्वे, ठीक है ना। तो ये है बेटा देखा था क्या एक साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित जीवों में देखा और इन्होंने बताया कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों होना जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं। विलियम हार्वे इज द फर्स्ट scientist who discovered the circulatory system in living organism, ठीक है। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं। विलियम हार्वे सबसे सबसे पहले पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परिसंचरण
तंत्र की खोज किया था, ठीक है ना। अगला यदि बात की जाए, पॉइंट स्टार बना के याद रखना, विलियम हार्वे इज कॉल्ड एज फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं विलियम हार्वे को परिसंचरण तंत्र का पिता या जनक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं डाउट्स हैं, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो फिर बात करते हैं। तो विलियम हार्वे को देखा था क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र, सबसे पहले इन देखा था क्या, इन्होंने देखा था, इसलिए परिसंचरण तंत्र का पिता या जनक कहा जाता है, ठीक है ना। ये मैंने दोनों चीजें देखा था क्या, यहां पे मेंशन कर दिया। अब बात की जाए कि जो देखा था ह्यूमन या मानव में सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनमें क्या चीजें पढ़नी है बेटा, की पॉइंट हमें जानना जरूरी है कि भाई यही चीजें पढ़नी है, इसके अलावा फालतू चीजें नहीं पढ़नी, ठीक है ना। तो मैं मेंशन कर देता हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसे हम बोल सकते हैं बेटा क्या, परिसंचरण तंत्र। इसमें हमें सिर्फ तीन चीजें पढ़नी है जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सी चीजें हैं मैं लिख देता हूं। एक तो देखो बेटा, हमें पढ़नी है ब्लड, या कह सकते हैं रक्त, या कह सकते हैं रुधिर, या कह सकते हो क्या खून, ये चीजें पढ़नी है भैया। दूसरा आपके देखा था क्या पढ़नी है, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है भैया हार्ट, या इसे बोल सकते हैं हृदय, ठीक है ना, दिल भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है ना आपको, जो भी देखा था दिल है, अजीब से वो मतलब बढ़िया फीलिंग आती है ना, रोमांटिक वाली थोड़ी सी अच्छी वाली, दिल है, सारी कहानी दिल पे ही खत्म होती है, है? चलिए बढ़िया। तो बेटा यदि बात की जाए तो इसमें क्या पढ़ेंगे, ब्लड हो गया, रक्त हो गया, फिर ब्लड ग्रुप आपका मतलब ब्लड है उसके कंपोजिशन, फिर ब्लड ग्रुप रक्त, उसके बाद ह्यूमन हार्ट, ठीक है ना। सारी कहानी यहीं पे देखा था क्या, जितनी भी पूरी कहानी होगी सारी की सारी कहानी यहीं से देखा था शुरू होगी। ये तीन टॉपिक जो भी हमें देखा था पढ़ना है, ठीक है ना, इसमें ठीक है। तो एक बार रिटन डाउन कर लीजिए, या जैसे भी नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, बाकी पीडीएफ फाइल में तो चीजें आपको मिल ही जाएंगी, इसके लिए टेंशन लेने की मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जरूरत है, ठीक है। तो आइए बात की जाए, सबसे पहले यदि स्टार्ट करूंगा इसमें देखा था क्या, किस टॉपिक से, ब्लड या रक्त से। ब्लड या कह सकते हैं रक्त, या कह सकते हैं रुधिर भी कहते हैं, बाकी खून तो आप जानते ही भैया, और रक्त ही यदि बात की जाए, रक्त ही भैया जीवन है, यदि इस रक्त शरीर से निकल जाए तो जो पर्सन या व्यक्ति है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है एक निश्चित मात्रा से। थोड़ा बहुत ब्लड या रक्त निकलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो बात यदि पूछी जाए कि भैया ब्लड क्या होता है, रक्त क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, कोई कहेगा कि रक्त सर वो होता है जिसका रंग लाल हो, है? या रक्त वो होता है जिसकी वजह से चीजें हमारे शरीर में क्या होती है, सर्कुलेट होती है, फैलती है, ठीक है, ये भी तमाम चीजें हैं। पर यदि ये कहते हो कि भाई यदि ब्लड वो चीज है जिसका रंग लाल हो, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे
सहमत नहीं होंगे। क्यों भैया? यदि बात की जाए लाल तो बहुत सी चीजें होती हैं, क्या सबको ब्लड कहा जा सकता है? पानी को यदि देखा देखा ठीक थोड़ा सा गाढ़ा मतलब रेड कर दिया जाए तो क्या वो ब्लड हो जाएगा? और यदि ब्लड लाल होता है मतलब हमारे अंदर जो ब्लड है वो रेड है, तो मतलब यही ब्लड यदि हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। क्यों? बात की जाए ऑक्टोपस का जो भी ब्लड है वो देखा तो वो तो ब्लू या नीला होता है। अब कह दो कि भाई देखा था ऑक्टोपस जो है सिंपल सी बात है उसका ब्लड ब्लड नहीं, हमारा ब्लड ब्लड है। काक्रोच का यदि बात की जाए, काक्रोच या तिलचट्टे का जो ब्लड है वो तो देखा था व्हाइट होता है जी। ग्रास होपर या देखा था कर सकते जो टिड्डा है इसका जो ब्लड होता है स्लाइटली ग्रीन या हल्का हरा होता है, क्या उसका ब्लड देखा था ब्लड नहीं है बेटा? नहीं। तो ये कहना कि रंगों के आधार पर देखा तो हम ये कहें कि ये ब्लड हो सकता है या नहीं हो सकता, ये परिभाषा या ये जो कह सकते स्टेटमेंट है ये भैया देखा था क्या, ये ब्लड के जो भी डिफिनेशन या परिभाषा को देखा था क्या सपोर्ट नहीं करता बेटर वे में, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, जो भी देखा था पहले क्या इसकी डिफिनेशन है परिभाषा, इसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लेकर हम क्या करेंगे चलेंगे बेटा, ठीक है ना? तो पहले मैं क्या करता हूं डिफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद एक एक करके समझाता हूं और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलूंगा। तो बात की जाए तो क्या कर सकते हैं, ब्लड इज अ मोबाइल फ्लूइड / लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच composed of two components, ठीक है? ब्लड या कह सकते रक्त यदि बात की जाती है क्या होता है, दो कंपोनेंट या घटकों से आपका जो भी देखा था क्या कह सकते ये बना होता है, ठीक है ना? हिंदी में लिख देता हूं यही कहीं कि भैया तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है ना? रक्त एक गतिशील तरल या द्रव संयोजी उत्तक है जो कि दो घटकों से बना होता है, ठीक है ना? अब कौन सा घटक है वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है? पर मैं चाहता हूं भैया थोड़ा सा ये हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ इंग्लिश के वर्ड या हिंदी के वर्ड्स में कुछ आपको दिक्कत है, परेशानी आ रही है? कोई यदि परेशानी नहीं है तो फिर आगे बढ़ना चाहेंगे बेटा, ठीक है ना? तो ये डिफिनेशन एक बार देख लीजिए सिंपल से। देखो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें लेके नहीं चलता, क्योंकि देखो जो चीजें जितनी सिंपल वे में होंगी उतनी देखा था क्या बेटर वे में वो चीजें समझ में आती है, उतने ज्यादा समय तक दिमाग में रहती हैं, ठीक है ना? तो देखिए भाई दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, पहला यदि बात की जाए तो यहां पर कंपोनेंट्स है आपका देखा था क्या लिक्विड कंपोनेंट्स या लिक्विड पार्ट, ठीक है? इसे यदि बात की जाए तो कह सकते हैं द्रव भाग, लिक्विड या द्रव वाला जो भाग है इसकी यदि बात की जाए तो इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात इसको नाम दिया जाता है प्लाज्मा, परेशान मत होइएगा एक एक चीजें बताऊंगा पर धीरे धीरे मेरे स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, चीजें ना जल्दी ना मतलब धीमे। दूसरा आपका देखा था क्या सेलुलर जो पार्ट है, सेलुलर कंपोनेंट या सेलुलर पार्ट, या इसे हम कह सकते हैं सिंपल सी बात है कोशिकीय भाग, यदि बात की जाए कोशिकीय भाग। तो बेटा यदि बात की जाए कोशिकीय भाग में कौन सा हो सकता है, इसे कहते हैं ब्लड ब्लड कैप्सल्स, या हिंदी में इसे कह सकते हैं रक्त कणिकाएं, ठीक है? तो ये ब्लड के जो भी देखा था ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना? पर ब्लड की परिभाषा अभी मैंने तो स्टार्ट ही नहीं की, अभी ब्लड की बात की जाए जो डिफिनेशन है या जो परिभाषा है
वो तो अभी शुरू होना बाकी है। और वो देखा डिफिनेशन, अब परिभाषा समझिए मेरे साथ, एक एक वर्ड को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बात कीजिएगा यहां पर, देखो भाई एक एक वर्ड कौन कौन से हैं, मैं अंडरलाइन करते हुए आपको समझाते हुए चलूंगा। एक वर्ड यदि बात की जाए तो यह है मोबाइल, ठीक है ना, मोबाइल यह कह सकते हो। यहां पे देखा था इसकी हिंदी हो गई गतिशील, समझिए ध्यान से, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना भाई इतनी चीजें, तो भाई आगे चलते फिर। तो बात की जाएगी, देखो भाई मोबाइल या गतिशील का मतलब क्या है, सिंपल सी बात समझिए। तो देखो भाई मोबाइल वही नहीं है जो हम कम्युनिकेशन या बात करने के लिए यूज करते हैं। मोबाइल का मतलब है ऐसी चीज जिसको देखा था ऑलवेज या हमेशा मोशन या गति में हो, ठीक है ना, मतलब उसकी जो भी देखा था पोजिशन या स्थिति जो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद टाइम या समय के साथ बदल रही है, ये देखा था इसके लिए मोबाइल या कर सकते हैं। क्या होगा, मोबाइल या गतिशील शब्द यूज करेंगे। तो आपने देखा होगा ब्लड क्या है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, देखा था ये चक्कर काट रहा है। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या कि ब्लड देखा था पैरों में गया, अरे जी अब मैं ऊपर ना जाऊंगा, मैं तो थक गया जी, अरे बस करो जी, अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, बस बहुत हो गया, मैं बहुत चक्कर काटा। नहीं, ब्लड यदि बात की जाए, कंटिन्यूअस यदि बात की जाए, वो चक्कर काटता रहता है एक निश्चित, देखा था क्या एक फिक्स जो भी पाथ पे, या निश्चित एक देखा था क्या आपके कह सकते मार्ग पे, ठीक है ना। तो भैया जब कोई चीज क्या होती है कि एक देखा फिक्स पाथ पे देखा था क्या घूमती रहती है, चक्कर काटती है, तो देखा था उसकी स्टडी किसमें करते, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र में, ठीक है ना। और ब्लड का चक्कर काटना जरूरी है क्योंकि ब्लड ही है जो देखा था क्या चीजों को देखा था सर्कुलेट करता है, मतलब जो भी शरीर की कोशिकाओं के लिए या शरीर के लिए ऑर्गन या अंगों के लिए जो भी चीजें जरूरत है, ये देखा था घूम घूम के वहां तक पहुंचाता जाता है और वहां की जो बेकार चीजें उठा के फिर ले आएगा जिससे वो शरीर से बाहर जाए, ठीक है, इसलिए सर्कुलेट करना इसका जरूरी है, ये मोबाइल वर्ड इसलिए यूज हुआ है, ठीक है। दूसरी यदि बात की जाए तो अगला यदि बात की जाए, इसी में यदि बात की जाए, फ्लूइड या तरल समझिए। फ्लूइड क्या होता है, जनरली लोग कहेंगे यार फ्लूइड में तो पानी, पानी तो होता है, अच्छा जी चलो ये भी हो सकता है, सोचते हैं आम इंसान यही सोचता है। तो फ्लूइड यदि बात की जाती है, ये कह सकते हैं कि ये किसी पदार्थ की जो फ्लूइड जो है वो स्टेट या अवस्था है जिसमें ये फ्लो कर सकता है, फ्लो करने या बहने की टेंडेंसी होती है। तो ऐसी चीजें जो देखा था कि जिनमें फ्लो करने या बहने की जो भी टेंडेंसी होती है उन्हें देखा था क्या होते है? या बहने का गुण होता है उससे देखा था कहते तरल। और तरल में देखा मैटर या द्रव्य की दो अवस्थाएं आती हैं, कौन कौन सी सोचिए, तो देखो यदि बात की जाए फ्लूइड या तरल में देखा था क्या कर सकते हैं, मैटर या द्रव्य की दो अवस्थाएं। यदि मान लीजिए गैस को भी छोड़ दिया तो गैस भी एक जगह से दूसरे जगह देखा था क्या ये देखा फ्लो करते या बहते हुए जाएगी, ठीक है ना, चाहे जो भी माध्यम। और दूसरे यदि बात की जाए तो जैसे आपका कर सकते हैं मैटर या द्रव्य की दूसरी अवस्था लिक्विड या द्रव जिसमें पानी आता है, पानी भी तो बहने का गुण होता है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे या दाएं बाएं जैसे भी पाए। तो तरल का मतलब लिक्विड नहीं होता, तरल में देखा तो मैटर या द्रव्य की दो अवस्थाएं आती है, एक लिक्विड और देखा मतलब द्रव और दूसरा गैस अवस्था, ठीक है ना, ये भी चाहिए क्लियर। ये तो भैया लिक्विड में तो द्रव। अगला यदि बात की जाए तो यहां पर कह सकते हैं अगला वर्ड आया है कनेक्टिव शब्द आया है, और यहां पे देखा था क्या ये संयोजी शब्द आया है। अब इसका मतलब क्यों ये वर्ड आया है समझिए, चीजें यदि देखा था क्या कर सकते हैं इटियोलॉजी समझ गए, मतलब किसी चीज का कॉज समझ गए कि चीजें क्यों है, तो समझने में चीजें आसानी हो जाती है। तो बात की जाते भाई संयोजी, संयोजी मतलब देखा था कनेक्ट, कनेक्ट मतलब जोड़ना, कनेक्टिव वर्ड बना है कनेक्ट से, कनेक्ट मतलब जो भी जोड़ना। अब ब्लड कैसे जोड़ेगा भाई, आप कहोगे सर वो तो पानी की तरह इधर उधर बहता है, ये कैसे जोड़ सकता है, देखिए बताता हूं बेटा। यदि कभी भी बात कीजिए अपने शरीर के देखा किसी पार्ट को टच कीजिए, यदि आप स्वस्थ हो तो शरीर के जितना भी पार्ट होगा, शरीर के जितने भी पार्ट्स होंगे इसका जो टेम्परेचर या ताप होगा देखा था क्या होगा सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब ये कैसे, तो बॉडी में जो भी हीट या उष्मा उत्पन्न हुई उसको देखा था बॉडी में चारों तरफ जो भी देखा था क्या फैलाने का काम कौन करता है, ब्लड, जिससे बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है, ठीक। दूसरा, जो भी फूड या भोजन खाते हो आफ्टर डाइजेशन या पाचन के बाद उसके शरीर के अलग अलग पार्ट्स या भागों में जो भी डिस्ट्रीब्यूट करने या फैलाने का काम भी करता है ब्लड, जिससे देखा बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं इनकी ग्रोथ होती है और ये देखा था अपने आप के यदि डैमेज है क्षतिग्रस्त है तो वो रिपेयर भी करती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए जैसे मेरा हाथ है, यदि मेरे हाथों में यदि बात कीजिए यहाँ पे पट्टी बांध दिया जाए खूब कस के काफी देर तक ब्लड की सप्लाई इसमें बंद हो जाए, पता है ये हाथ क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है डेड होने लगेंगे इसकी सेल या कोशिकाएं,
क्यों? क्योंकि ब्लड से इसको न्यूट्रिएंट या पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के रूप में मिल रहा था, जिससे ये देखा था क्या प्रॉपर हमारी मसल्स की जो भी टिश्यू या उत्तक काम कर रहे थे। यदि ब्लड की सप्लाई ना हो तो बॉडी के वो पार्ट डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तीसरा, बॉडी के यदि किसी पार्ट में यदि ब्लड की सप्लाई ना हो तो एक और चीज होता है, बॉडी का वो पार्ट और जगह से ठंडा होता है। कैसे? जैसे यदि लो बीपी होती है बेटा, तो लो बीपी जब होती है तो आपने देखा होगा कि लो बीपी में वो कह सकते हैं क्या होता है, बॉडी के जो दो चार मतलब पार्ट से जैसे हाथ हो गया, पैर, इनको टच करोगे तो बेटा ये ठंडे होंगे, क्योंकि लो बीपी में पर्याप्त मात्रा में ब्लड या रक्त आपके देखा हाथ पैरों तक नहीं पहुंचता, और हाथ पैर कैसे हो जाते हैं ठंडे, ठीक है ना। इसके अलावा यदि बात की जाए तो हमारे शरीर में क्या होती है, रिस्पिरेशन या श्वसन एक प्रक्रिया है जो देखा था क्या फ्यूल या ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा को जलाने के लिए देखा था ये रिस्पिरेशन या श्वसन प्रक्रिया होनी है। इस प्रक्रिया में फेफड़ों से जो सांस लिया, फेफड़ों से ऑक्सीजन गई टिश्यू या उत्तकों में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी उसको फिर ब्लड देखा था क्या लंग्स या फेफड़ों तक लाएगा, जहां से देखा CO2 बाहर। तो देखा था यदि बात की जाए दो गैसों की, ठीक है ना, दो गैसों के देखा था ट्रांसपोर्शन, जैसे आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी देखा, परिवहन में भी कौन मदद करता है, ये आपका देखा था कर सकते हैं ब्लड या रक्त ही जो भी देखा था क्या करेगा, जो भी मदद करेगा। इसके अलावा बॉडी में जितने भी देखा था क्या एसटीटी वेस्ट या उत्सर्जी पदार्थ जिनका जो ज्यादा समय तक रह जाए तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको भी देखा शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करेगा, ब्लड या रक्त। और चोट लगती है तो आपने देखा होगा या वास्तव में आपका इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा काम कर रहा हो तो चोट लगती है तो बेटा देखा होगा कि भैया देखा वो चोट, यदि आप वास्तव में इम्यून सिस्टम सही है तो वो चोट देखा भर भी जाता है। क्यों? क्योंकि देखा था क्या उस साइट्स पे जहां पे चोट लगती है या इंजरी होती है उस साइट्स पे WBC को पहुंचाने का काम भी कौन करता है, ब्लड या रक्त करता है, जिससे देखा था वहां पे सेप्सिस न होती, पस या इसका निर्माण। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनसे देखा हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या अलग अलग पार्ट्स ये क्या है, अपनी जरूरतों के लिए चाहे इनडायरेक्ट कह लो अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे डायरेक्ट रूप से मतलब कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं ये सब देखा था किससे जुड़े हैं, ब्लड या रक्त से, ठीक है, ये कनेक्टिव वर्ड सही है। चलिए अगला यदि बात की जाए तो शब्द है टिश्यू, या कह सकते हैं इसे कह सकते हैं उत्तक बोलते हैं बेटा। अब यहां से सुनो, इस संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म या जीव अपने आसपास देखते हैं, चाहे बहुत छोटे हों, बहुत बड़े हों, मोटे हों, नाटे हों, गोल हों, देखा चपटे हों, ठीक है ना, चाहे वो पौधे हो, चाहे जंतु हो, चाहे कीड़े मकोड़े जितने भी, सबकी ओरिजिन या उत्पत्ति एक देखा था क्या होती है, एक सिंगल सेल या एक कोशिका से होती है। अब आप कहोगे सर हम भी सिंगल सेल से बने, इतना बड़ा ताड़ जैसे, हाँ बेटा यदि बात कीजिए हमारी भी उत्पत्ति देखा तो सिंगल सेल से ही होती है। तो ये कैसे बेटा, तो सिंपल से बता देता हूं शॉर्ट में, फेमेंस में देखा था क्या आप कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन या साइकिल या मासिक धर्म के बाद देखा था क्या होता है, एक या ओवम सेल निकलती है जो देखा था जिसको जाके फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है मेल का जो स्पर्म या शुक्राणु कोष का, वो भी सिंगल सेल, दोनों के मिलने से देखा था फाइनली देखा था क्या होता है एक सिंगल सेल बनती है और ये कोशिका देखा था क्या होती है डिवाइड होती जाती, विभाजित हो जाती है और ढेर सारी सेल या कोशिकाएं बनती है, ठीक है ना। तो भाई ऐसे फिर जब ढेर सारी सब सेल या कोशिकाएं बनती है तो कुछ कोशिकाएं जो देखा फंक्शन मतलब देखा था शेप या आकार में सेम होती है वो आपस में एक ग्रुप बनाती है, तो जो कह सकते हैं कोशिकाओं के जो ग्रुप है या ग्रुप ऑफ सेल्स इसे क्या कहते हैं टिश्यू या उत्तक, और जब कई टिश्यू या उत्तक मिलते हैं तो फिर बनता है आपका ऑर्गन या कह सकते हैं अंग बनते हैं, कई ऑर्गन या अंग मिलते हैं तो बनता है इससे ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र, और लास्ट में बात की जाती है एक होल बॉडी या एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होगा, चाहे वो टेढ़ा हो, चाहे गोलू हो, चाहे देखा तो मोलू हो, ठीक है ना भैया, जैसा भी हो आप जैसा भी नाम दो या बाबू जैसा दिखता हो, ठीक है ना, तब ऐसे जो भी उसका निर्माण होगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये डिफिनेशन रटने वाली है क्या, ये डिफिनेशन क्यों रटे भैया, अब क्वेश्चन यहां पे देखा इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले यदि बात की जाए तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्लड इज मतलब रक्त क्या है, आप कहोगे देखा था कनेक्टिव टिश्यू या कह सकते हैं संयोजी जो भी देखा था कह सकते हैं उत्तक है कनेक्टिव टिश्यू। यदि थोड़ा और एग्जाम में परेशान करना चाहे तो यह भी कह सकता है कि विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू किस तरह के संयोजी उत्तक, तो आपको देखा था जैसा ऑप्शन होगा लिक्विड या कह सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसा होगा उस तरह से ऑप्शन मार सकते हैं। तो रक्त क्या है तरल या द्रव संयोजी, आपका देखा था कह सकते हैं उत्तक आपका होगा बेटा, ठीक है ना। तो यह तरल या द्रव संयोजी उत्तक होगा कौन, जो भी आपका रक्त,
ठीक है ना, ठीक है। तो चलें आगे, चलिए आगे, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो यदि बात की जाए कि जो द्रव है दो इसमें देखा था कंपोनेंट्स या घटक जो भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। एक देखा था क्या लिक्विड या तरल भाग जो होता है, मतलब लिक्विड या द्रव की तरह होता है प्लाज्मा, और दूसरा देखा सेलुलर पार्ट जिसे कहते हैं क्या रक्त कणिकाएं कहते हैं। अब थोड़ा सा जो भी देखा था एक और चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से जो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपने पढ़ा है तब भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि भैया मेरा पर्पस है आपको जो भी समझाना। ठीक है, चलिए आइए। अब ये चीजें जो भी डायग्राम से आपको, मुझे उम्मीद है कि भैया समझ जाओगे। अब क्या क्या है सारी चीजें मैं आपको जो भी लिख के बता देता हूं, ठीक है ना। ये जो आपका पार्ट है ये देखा था क्या है कितना, ये जो आपका बात है बात की जाए कौन सा, इसको कह सकते हैं प्लाज्मा, ठीक है, ये होगी प्लाज्मा। दूसरे यदि बात की जाए तो यहां पे कह सकते हैं क्या, और क्या कह सकते हैं, ये वाला यदि बात की जाए तो आप क्या कह सकते हैं ब्लड कैप्सल्स, या इसे कह सकते हैं रक्त कणिकाएं, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूं, ठीक है। तो इसमें यदि बात की जाए जो प्लाज्मा है इसका हमेशा देखा था वॉल्यूम या आयतन ज्यादा 55% टोटल जितना ब्लड होगा उसका 55% कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका प्लाज्मा। और बात की जाए ब्लड कैप्सल्स की बात की जाए तो 45% आपका होती है ब्लड कैप्सल्स या रक्त, जो भी रक्त कणिकाएं, ठीक है ना। अब रक्त कणिकाएं में कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे वो सारी चीजें आगे बताता हूं, ठीक है, क्योंकि ब्लड के बारे में ही अभी बहुत सी चीजें जाननी है। तो ये ऐसे मान लीजिए जैसे कि आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, एक छोटा सा बात की जाए सिलिका ऑक्साइड का देखा पीपेट होता है, ठीक है ना, उसमें इकट्ठा किया जाता है और ब्लड को क्या किया जाए कुछ देर रखने पे, ऐसा देखा तो दो रीजन आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना, एक प्लाज्मा वाला भाग और दूसरा यदि बात की जाए ब्लड कैप्सल्स या रक्त कणिका के रूप में, और रक्त कणिकाएं आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी चीजें हैं, ठीक है। चले आगे आओ, अब बात की जाए कि देखो भाई ब्लड है, ये तो भैया देखो भाई पता चला कि भाई ब्लड में ये चीजें। दूसरी चीज यदि बात की जाए कि जो ब्लड है, ब्लड की यदि बात की जाए थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई कितनी मात्रा होती, क्या पीएच होता है,
क्या चीजें हैं नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लड के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं ब्लड के बारे में। सबसे पहला यदि बात की जाए तो क्या कर सकते हैं, जैसे पीएच ऑफ ब्लड, इसमें कर सकते हैं क्या, रक्त का पीएच मान, ठीक है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे टॉपिक। तो देखो यदि बात की जाए नॉर्मल जो पीएच रेंज होता है ब्लड का, ये यदि बात की जाए तो कितना होता है बेटा, यदि बात की जाए कभी भी पीएच रेंज, तो इसकी जो पीएच रेंज होती है नॉर्मल 7.40 से कह सकते हैं 7.45 होता है। अब ये चीजें डाटा देखा सफिशियंट नहीं है, अरे है तो है यार, पीएच है तो है, अब कोई बात हुई कि पीएच है कि है, तो भैया इसको थोड़ा जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा टॉपिक ले आते हैं, वो क्या थोड़ा समझना जरूरी है। पीएच यदि बात की जाए स्केल, या यदि बात की जा सकती है पीएच आपके पैमाना की थोड़ी सी बात कर लीजिए। और पीएच स्केल को बनाया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था सोरेनसन, किसने बनाया था बेटा, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पीएच स्केल बनाया था। इसकी थोड़ी सी हमें जरूरत पड़ेगी चीजों को समझने में। और पीएच स्केल में यदि बात की जाए लोअर वैल्यू होती है 0 और हाइएस्ट जो मान है या वैल्यू है ये यदि बात की सकते हैं ये कितना आपका 14 होता है, 14 होता है। मिड में यदि बात की जाए तो मिड में आपकी वैल्यू होती है 7, ठीक है ना। अब इसके आधार पर थोड़ी सी बातें कर ली जाए, ठीक है ना। यदि पीएच 0 से 7 के बीच में है तो वो देखा था चीज क्या होगी, एसिडिक होगी या कह सकते हैं अम्ली होगी। और जो चीज एसिडिक या अम्ली होगी उसका टेस्ट कैसा होगा, शौर या कह सकते हैं खट्टा होगा, ठीक है। जल्दी यह कहा जाता है कि जितने भी एसिड होते हैं स्वाद खट्टा होता है, पर ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें जो एसिडिक तो है पर उसका टेस्ट खट्टा नहीं है, जैसे मिल्क या दूध, मिल्क या दूध जब खराब होगा तब खट्टा हो सकता है, ऐसे नहीं। सेवन यदि बात की जब पीएच आएगा तो वो चीज कैसी होगी, ये सिंपल सी बात है, न्यूट्रल होगी या इसे कह सकते हैं उदासीन होगी। और उदासीन चीज का मतलब कोई भी टेस्ट नहीं, जैसे डिस्टिल वाटर या अशुद्ध जल। परंतु यदि बात की जाए पीएच 7 से 14 के बीच में होगा तो वो चीज कैसी होगी, आपकी बेसिक होगी या कह सकते हैं क्षारीय होगी। और जनरली जितनी भी क्षारीय चीजें होती हैं इनका जो टेस्ट होता है या स्वाद यदि बात की जाए तो ये होता है आपका कह सकते हैं क्या, कड़वा होता है। जल्दी जितनी भी देखा था कह सकते हैं बेस या जो क्षार है उनका स्वाद जो भी कड़वा, पर ये जो नहीं कि सभी की चीजों का देखा था जो बेस है उनका स्वाद कड़वा ही हो। जैसे यदि बात की जाए कुकुम्बर या खीरे का जो वाटर या पानी होता है ये देखा था बेसिक है, पर बहुत इस मतलब कम बेसिक है, इसलिए भैया कड़वापन नहीं महसूस होता है। ये जो नहीं कि हमेशा देखा था बेस वही होगा जिसका कड़वा स्वाद आए तभी बेस कहेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं होता। ब्लड कभी कभी देखा कि मतलब टेस्ट किया अरे बड़ा कड़वा है, नहीं, क्योंकि पीएच देखो बहुत कम है। तो यहां पे यदि बात की जाए कि ब्लड का यदि पीएच देखा तो क्या 7.40 है या 7.45 है, तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए ब्लड का यदि बात की जाए नेचर या प्रकृति बात की जाए तो भैया ब्लड की कह सकते हैं क्या नेचर या जो प्रकृति होगा, नेचर या कह सकते हैं जो प्रकृति होगी ब्लड की यदि बात की जाए तो यह कैसा हो जाएगा बेटा, यह हो जाएगा आपकी यदि बात की जाए तो क्या कह सकते हैं स्लाइटली बेसिक होगा, या हिंदी में कह सकते हो क्या थोड़ा सा क्षारी होगा। किसका, ब्लड का यदि बात की जाए जो नेचर होगा ये स्लाइटली बेसिक या थोड़ा सा आपके कह सकते हैं क्षारी होगा, क्योंकि पीएच ना तो 8 है ना तो देखा था क्या 8 से ज्यादा है, 7 से देखा थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए ब्लड का जो नेचर होगा स्लाइटली बेसिक या थोड़ा सा क्षारी होगा। तो ये ब्लड के देखा नेचर का पता चल गया। और जो पीएच स्केल है इसका देखा था क्या, पीएच स्केल में जो भी देखा तो चीजों की मतलब क्या, मतलब मान जान के हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं कि वास्तव में उसका नेचर किस तरह का हो सकता है, जैसे ठीक है ना। तो हमारे जितने भी देखा स्किन पे भी जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे क्रीम लोशन और वो एंटी एजिंग क्रीम ओले गोले जितने भी हैं, यदि उसका पीएच जो भी क्रीम लोशन साबुन लगा रहे हो उसके पीएच हमारे स्किन से मैच नहीं किया ना बेटा, ये समझो स्किन खराब करके रख देगा, ठीक है ना। आंख में देखा था आई ड्रॉप डालते हैं, यदि उसका भी पीएच हमारे आईज के जो भी अंदर जो लिक्विड या द्रव निकल रहा है जिससे पलके आराम से इजिली मूव कर रही है उससे भी यदि पीएच मैच नहीं किया तो फिर क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है आई डैमेज हो जाएगी।
तो पीएस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो ये चीज है। आगे अब देखो बेटा, यदि बात की जाए कि भाई क्या कर सकते हैं, अगला यदि बात की जाए तो बात की जाती है जैसे टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसे हिंदी में लिख सकते हैं एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल बात की जाए आयतन कितना होता है, ठीक है ना। तो देखो इसको जानने से पहले मैं चलिए बता तो देता हूं, ठीक है ना, पर इससे पहले एक कुछ बेसिक चीजें भी जान ले। बेसिक चीजों में यह जानिए कि भाई देखा एक बात की जाए कि स्टेटमेंट है कि हमारे शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है ये हमारे टोटल बॉडी वेट का बात की जाए तो कितने परसेंट, 7-8% होता है। तो भैया टोटल बॉडी वेट किसके लिए, भैया सामान्य जो इंसान है, मतलब सामान्य का मतलब देखा था क्या, नॉर्मल देखा तो उसकी हाइट है, नॉर्मल हाइट यदि है तो उसके हिसाब से कहा जाता शरीर की लंबाई के हिसाब से ही हमारे शरीर का भार होना चाहिए, तब हम संतुलित हैं। अब उनका क्या करें भैया, जो देखा था क्या जितने लंबे हैं उतने चौड़े हैं, वो धरती पे भार है, वो इंसानों में गिनती नहीं है भैया उनकी, वो देखा धरती पे भारों में गिनती है, ठीक है ना। तो सामान्य मनुष्य की यदि बात की जाए तो क्या शरीर की लंबाई के हिसाब से शरीर का भार होगा, तो भैया वो स्वस्थ है, तमाम चीजें ये होगा, ठीक है ना। तो ये भी लिख देता हूं फिर इसको बताता हूं। ए नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग बीइंग ब्लड इज 7-8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हिंदी लिख देता हूं फिर बात करते हैं। तो लिख सकते हैं एक सामान्य मनुष्य में रक्त शरीर के कुल भार का 7-8% होता है। अब देखो यदि बात की जाए कि 7-8% जो देखा था ब्लड की मात्रा है, ये पर्सन टू पर्सन यदि बात की जाए तो वैरी करेगा, बदलेगा, क्योंकि सबकी लंबाई एक जैसी नहीं होती। सबकी लंबाई एक जैसी नहीं होती तो भैया शरीर का भार भी एक जैसा नहीं होगा। शरीर का भार एक जैसा नहीं होगा तो भैया ये बताइए सबके शरीर में ब्लड की जो मात्रा है या देखा तो ब्लड की जो भी क्वांटिटी या मात्रा है वो एक जैसी कैसे हो सकती है, बताइए एक जैसी हो सकती है क्या सब में, जब शरीर के देखा तो लंबाई एक जैसी नहीं है तो शरीर का जो भी देखा था क्या भार भी एक जैसा नहीं होगा। शरीर का भार एक जैसा नहीं होगा तो शरीर में यदि बात की जाए ब्लड की जो मात्रा है ये भी एक समान नहीं। तो भैया आप वैज्ञानिकों को बड़ी समस्या हो गई यार, क्या कहा जाए इस पे। तो वैज्ञानिकों ने एक सोल्यूशन निकाला कि क्यों नहीं भाई एक देखा था क्या किया जाए, जो भी देखा था एक क्या किया जाए सर्वे किया जाए, मतलब इसमें काफी लोगों को देखा था क्या किया, ब्लड का जो भी देखा उनमें शरीर में मात्रा पता की गई जो भी था और सबको जोड़ के हमने एवरेज या औसत निकाला। तो ऑन एवरेज यदि बात की जाए तो ऑन एवरेज या कह सकते हैं औसतन, ठीक है ना, ऑन एवरेज या औसतन एक वयस्क के ये मनुष्य में कितना यदि बात की जाए तो 5-6 लीटर आपके देखा था क्या होता है ब्लड होता है, या कह सकते हैं 5-6 लीटर तक रक्त होता है। ये एवरेज वैल्यू है औसत मान, क्योंकि यदि बात की जाए 2 फुट के बोने में यदि 5-6 लीटर ब्लड होगा तो क्या बाकी ऑर्गन को एक बैग में भर के देखा साइड में देखा था क्या वो पीठ पे या देखा था क्या जो भी पीठ पे लाद के लेके घूमेगा अपने बाकी शरीर का ऑर्गन बाहर निकाल के, नहीं ना।
तो ये कहा गया कि भैया देखा था क्या, जो भी देखा था जिसमें ब्लड की बहुत कम मात्रा, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा, इस तरह के देखा था, तमाम देखा था, ब्लड की रीडिंग्स ली गई लीटर में और उसका एवरेज या औसत निकाला गया, तो ये पाया गया एक सामान्य या वयस्क मनुष्य में ऑन एवरेज या औसतन लगभग यदि बात की जाए 5 से 6 लीटर जो भी कह सकते हैं क्या होता है, ब्लड या रक्त होता है। ठीक है ना, तो ब्लड या रक्त कितना, 5 से 6 लीटर जो भी आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यदि बात की जाए फैमिली या स्त्रियों में, तो फैमिली या स्त्रियों में बात की जाए अप्रोक्सीमेट 500 ml लगभग 500 ml देखा था क्या स्त्रियों में ब्लड की मात्रा कम होती है पुरुषों से। ठीक है ना, चलिए तो ये थोड़ा सा ब्लड के बारे में सिंपल सी ये कुछ चीजें ऐसी थी जो बतानी जरूरी थी। ठीक है ना, चले आगे। चलिए तो ये ब्लड के बारे में देखा था, छोटी मोटी जो भी देखा था ये चीजें थोड़ी सी थी। अब बात की जाए कि भैया एक एक चीज को जो देखा था क्या हम थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे, जिसमें देखा था क्या सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये किसको स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे देखा था क्या प्लाज्मा। ठीक है ना, और मैं फिर एक बार बता देता कि जो टोटल ब्लड या कुल ब्लड में बात की जाए प्लाज्मा का जो परसेंटेज वॉल्यूम है, प्रतिशत जो वॉल्यूम है ये कितना होगा, 55 होगा, बाकी इसके अलावा कुछ और नहीं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में जो भी देखा था क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही पूछी जाती है या उसी को मानी जाती है, बाकी आपके हिसाब से नहीं। ठीक है ना, तो प्लाज्मा की बात की जाए तो ये कर सकते हैं प्लाज्मा 55% होता है टोटल ब्लड में। अब इसके यदि बात की जाए किसकी बात की जाए, प्लाज्मा के जो भी कर सकते हैं कलर या कर सकते हैं रंग की बात की जाए, तो प्लाज्मा के जो कलर होगा ये कहा जाता है क्या होता है, स्लाइटली या कह सकते हो पेल एलो। हिंदी में इसे कह सकते हो प्लाज्मा क्या होगा, थोड़ा सा पीला रंग का। ठीक है, जानवरों को जो देखा था स्ट्रॉ या भूसा जो खिलाया जाता है देखा वो हल्का पीला रंग का, वैसे ही प्लाज्मा होगा। और कहोगे सर कैसे देखें भैया क्या करो, जब चोट लगे करे तो भैया देखा होगा कुछ देर के बाद ब्लड आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा, एक ठीक या गाढ़ा संरचना बनेगा, आपने वाइप कर दिया पोंछ दिया, उसके बाद देखो कि पानी जैसे कुछ निकलेगा और उस पानी जैसे पदार्थ को छोड़ दोगे कुछ देर, जो भी देखा था ऐसे ही तो सूख के देखा हल्का पीले रंग के क्रिस्टल के रूप में दिखाई देगा। ठीक है ना, और यहां पर यदि बात की जाए जो प्लाज्मा होगा, यदि आप उसको टंग से टेस्ट करोगे जब प्लाज्मा के देखा तो सॉल्ट या वो क्रिस्टल जैसा संरचना बनेगा, तो वो देखा था क्या होगा, ये कह सकते हैं कड़वा नमकीन होगा, मतलब बीटर देखा सॉल्टी बीटर होगा, टेस्ट करके देखना। ठीक है ना, चलो तो ये इसके बारे में रंग के बारे में। ठीक है ना, बात की जाए कि बात की जाए क्या बात की जाए, तो भैया देखो प्लाज्मा का बात की जाए क्या कंपोजिशन, थोड़ा कंपोजिशन या इसका देख लेते हैं संगठन। कि भैया प्लाज्मा देखा था किससे बना होगा, आइए 2-3 चीजें हैं लिखा देते हैं समझा देते हैं। तो पहले यदि चीज बात की जाए तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा परसेंटेज एक चीज का है, वो है वाटर या कह सकते हैं जल। शरीर में यदि बात की जाए सबसे ज्यादा मात्रा में यदि बात की जाए तो ये कह सकते हैं वाटर या जल है, और प्लाज्मा में भी सबसे ज्यादा। इसकी यदि परसेंटेज यदि बात की जाए 90-91% ये होगा वाटर। दूसरी जो चीज है इसका नाम यदि बात की जाए तो यह है प्रोटीन। प्रोटीन की यदि बात की जाए तो यह कह सकते हैं एट परसेंट यदि बात की जाए तो इसमें क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है यह प्रोटीन आपका देखा 8% है। ठीक है ना, तीसरा यदि बात की जाए तो कह सकते हैं अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंसेस या कह सकते हैं अन्य पदार्थ। अन्य जो भी देखा सब्सटेंस यदि बात की जाए तो 0.52 ये देखा था क्या 1% है। ठीक है ना,
अब आपके लेवल पे इतनी पूछी नहीं जाती, अदर सब्सटेंसेस में जितनी भी आपके देखा गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया देखा था, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना, देखा था तमाम आपके जो कह सकते जो भी गैसेस हैं, ये हो गए। दूसरे इसके अलावा देखा था क्या कह सकते हैं, हार्मोन हो गया है, इसके अलावा कई आपके देखा था सॉल्ट्स भी होते हैं, लवण भी, ये भी देखा था क्या इसमें जो भी क्या होंगे आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा मिनरल्स या खनिज जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन देखा था क्या, क्लोराइड आयन जो भी देखा था ये भी होंगे, ये सब देखा इसी में आते हैं। तो आपके लेवल पे इतनी चीजों की जरूरत कोई खास नहीं है। तो ये कर सकते हैं क्या प्लाज्मा का जो भी ये क्या है, ये सिंपल सी बात है कंपोजिशन, या कर सकते संगठन, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए प्लाज्मा की, यदि बात की जाए तो रंग हल्का, यदि बात की जाए दिमाग में क्या होता है, प्लाज्मा की बात की जाए रंग हल्का पीला क्यों होता है, ठीक है ना। तो हमारे देखा था प्लाज्मा के अंदर ही एक पिगमेंट पाया जाता है जो बाइल जूस या पित्त रस में भी वो पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा का जो भी रंग होगा या नहीं होगा। तो देखो यदि बात की जाए प्लाज्मा पेल येलो कलर is due to the presence of bilirubin pigment, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, bilirubin जो भी देखा था क्या कह सकते हैं pigment, ठीक है ना, बिलुबिन जो भी पिगमेंट, ये जो पिगमेंट होता है आपके बाइल जूस या पित्त रस में भी होता है, जिसकी वजह से बाइल जूस का रंग हल्का पीला होता है, ठीक है ना। तो लिख देता हूं, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला बिलिरुबिन वर्णक की वजह से होता है, ठीक है। तो इसके वजह से देखा तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला हो गया, ये तो भाई इतनी सी जो भी देखा था क्या चीज हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि बात की जाए प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा में बात की जाए कौन से प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो लिख देता हूं, एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन प्लाज्मा, हिंदी में लिख सकते हैं एल्बुमिन प्रोटीन प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, प्लाज्मा कह लो चाहे हमारे ब्लड या रक्त या शरीर में सबसे ज्यादा यह प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। और यह ब्लड के प्रेशर या रक्त के दाब मेंटेन करने में भी क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। अगला यदि बात की जाए प्लाज्मा से रिलेटेड और कौन सी चीजें होती है बेटा, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और बताइए कोई दिक्कत परेशानी किसी को, समझ में तो आ रहा ना भैया, बहुत देर से मैंने सोचा भैया बात तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं भैया कि देखा था क्या तुम लोग, भैया सोच रहे हो क्या हो गया भैया, सर देखा नहीं रहे बात ना कर रहे। अब भैया बात देखा था क्या क्लास लेते लेते भैया समझ में नहीं आता कि भैया क्या किया जाए, तो ये चीजें हैं। ठीक है ना।
इतनी जो भी देखा था, प्रोटीन क्या करती है, ब्लड के क्लॉटिंग में जो भी पार्टिसिपेट करती है या भाग आपकी लेती है, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा सेल चेंज करना था क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी, मुझे देखे वैसे भी बैटरी डाउन हो जाती है, तो बैटरी डाउन। अब बेटा देखो भाई, क्लास को थोड़ा सा यहीं पे विराम देते हैं, क्यों, क्योंकि अगली क्लास शुरू होने वाली है बेटा, तो भैया अब क्लास को यहीं विराम दिया जाए। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत है डाउट हो तो दूसरी क्लास में हम देख लेंगे फिर, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं सेशन को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, विजय कर एग्जामपुर।